नहीं कर सके। तो भक्त प्रहलाद के आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रहलाद तेरे लिए ही भगवान ने इस रूप को बनाया है, अब तू ही भगवान को शांत कर सकता है। तो प्रहलाद ने दोनों हाथ जोड़ लिए और नरसिंह भगवान की स्तुति कैसे करते हैं बड़े प्रेम के साथ। आज हम भी नरसिंह भगवान का दर्शन करेंगे। वो कभी कृष्ण बने, कभी राम बने, कभी नरसिंह रूप है प्यारा, ये 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 नरसिंह रूप है प्यारा। कभी कृष्ण बने, कभी राम बने, कभी नरसिंह रूप है धारा, ये नरसिंह रूप है प्यारा, ये नरसिंह रूप है प्यारा, ये नरसिंह रूप है प्यारा, ये नरसिंह रूप है प्यारा। Oh,
क्या करनी है कर तू मेरी, मैं भगवान तुम्हारा। नरसिंह रूप प्यारा, नरसिंह रूप प्यारा। हरि नाम को सुन बेटे से पिता को क्रोध आया, पिता को क्रोध आया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, अपने भक्तों को आप जाने नरसिंह रूप बनाया, नरसिंह रूप बनाया। आधा नारी और आधा सिंह बनकर I'm not afraid.
कभी कृष्ण बने कभी राम बने कभी नरसिंह रूप है तारा, ये नरसिंह रूप है प्यारा, ये नरसिंह रूप है प्यारा, ये नरसिंह भगवान की भक्त वत्सल भगवान की। ये तो नरसिंह भगवान भगवान के 24 अवतारों में से एक ऐसा अवतार है जो बिना गर्भ के प्रभु ने धारण किया। भगवान के जितने भी अवतार हुए सब में भगवान ने पहले मां की गर्भ को धारण किया फिर अवतार लिया, लेकिन नरसिंह अवतार ये ऐसा अवतार है 24 अवतारों में जिसमें भगवान के पास इतना समय नहीं था कि 9 महीने मां की गर्भ में जाते फिर अवतार लेते फिर बड़े होते फिर हिरण्यकश्यप को मार दो। अपने भक्त पर इतना अत्याचार देख देख कर भगवान से पास इतना समय नहीं था इसलिए भगवान ने यह अवतार कुछ उनके डर कभी भी नहीं लगता। ऐसे नरसिंह भगवान ये जो स्तुति गाता है वो बड़े से बड़े कष्ट से दूर हो जाता है। नरसिंह भगवान का जो दिन में एक बार जय घोष करता है उसने भूत प्रेत उसके पास कभी वास नहीं करते। और इतना सुंदर भगवान की ये छवि थी कि पहला अवतार प्रभु का ऐसा था कि 24 अवतारों में से ऐसा अवतार जब भगवान क्रोध के साथ पैदा हुए इतना गुस्सा लेकर प्रभु आए हुए कि आंखों से भी अग्नि थी तो मुख से भी अग्नि थी, ऐसे लगते थे सबको मार भी जाएंगे इतना क्रोध लेकर आए। कैसे करते हैं जानवर प्रेम? देखा कैसे करते प्रेम? गौ माता अपने बछड़े को कैसे प्रेम करती है? जीभा से चाट कर। उसी तरह नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद को जीभा से चाट कर प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं प्रहलाद मान तुझे क्या चाहिए, तेरे लिए आया हूँ, कुछ भी मांग। प्रहलाद ने कहा प्रभु पहले मुझे वचन दो, मैं जो मांगूंगा आप मुझे सच में दोगे। भगवान कहते तेरे लिए इतना भयंकर रूप बनाकर आया हूँ, मुझ पर विश्वास की नहीं प्रभु, पहले वचन दो जो मैं मांगूंगा वही दोगे। भगवान ने वचन दिया, मां प्रहलाद तुझे क्या चाहिए? तो प्रहलाद ने कहा प्रभु जिस पिता को आपने अभी अभी मारा है ना मेरे पिता को नरक मत भेजना, अगर नरक भेजने की आवश्यकता पड़े तो मुझे भेज देना, मेरे पिता को वैकुंठ में स्थान दे। भगवान कहते हैं अरे प्रहलाद ये वही पिता है जिसने तुझे समुद्र की चोटी से नीचे फेंका, ये वही पिता है जिसने गरम गरम तेल में तुझे डालना चाहा, ये वही पिता है जिसने तुझे मदिरा पान हाथी के आगे कुछ माना चाहा। तो आज भक्त प्रहलाद कहते हैं प्रभु पिता ने अगर ठोकर लगाई ना इसे धरिया पर मैं जन्म लिया है, तो जन्म लेने का शेष तो मेरे पिता का, और मैं आता ही नहीं तो आपका दर्शन होता ही कैसे? कोई कितना भी बुरा हो लेकिन कभी कभी उसके भीतर की अच्छाई भी देखनी चाहिए। जब व्यक्ति कामयाब हो जाता है जिंदगी में तो उन्होंने लोगों का भी याद करा, एक पुराना मैंने ताने मार रही मैं दसना कोई पुराना मैंने ताने मार दस तो कुछ नहीं करती कुछ नहीं करती। लेकिन जब जीवन में कामयाब हो जाओ ना कभी तो सबसे पहले उसका धन्यवाद करो जो तुम्हें ताने मारता था, अगर वो ताने नहीं मारता तो यहां नहीं पहुंचते, सबसे पहले उसका धन्यवाद करो। प्रभु राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, जब वनवास काट के प्रभु पहले आए ना तो सबसे पहले किसी के चरण छुए थे तो माता को कई के छुए रामचरितमानस पढ़ना, सबसे पहले किसी के चरण पकड़े तो माता को कई के पकड़े जिसने उसे वनवास भेजा था, जिसे लोग लक्ष्मी कहते थे कुमाता कहते थे, आज भी लोग अपनी बेटी का नाम कई नहीं रखते, लेकिन प्रभु ने सबसे पहले चरण उसके पकड़े, कहा मां तू ना होती तो मेरी इतनी सुंदर वनवास की लीला कभी पूर्ण नहीं होती, मैं शबरी का उद्धार कैसे करता, मैं जटायु का उद्धार कैसे करता, मैं रावण का संहार कैसे करता, कई संतों का उद्धार मैं कैसे करता अगर तू ना होता। इसलिए जो हमारे जीवन में नेगेटिव लोग होते हैं ना वो हमारे जीवन में आगे जाकर वो पॉजिटिव हो जाते हैं, इसलिए उस नेगेटिव लोगों को हमेशा अपनी पॉजिटिविटी से देखना चाहिए और पॉजिटिव लोगों को नेगेटिविटी से देखना चाहिए। जरा कहता बड़ा चंगा बड़ा चंगा बड़ा चंगा बड़ा पढ़ लिया बड़ा पढ़ लिया उतारो बदल अपनी बदल नहीं देते, तो कहीं तुम कुछ नहीं कर सकते
तुम्हारे मन को अगर लग गई ना, तुम आईपीएस आईएएस कुछ भी बन सकते हो। और जब तुम बन जाओ तो सबसे पहले उन रिश्तेदारों का धन्यवाद करो, तुमने ठोकर लगाई ना होती तो मैं भी इस मंजिल को पहले पाई ना होती। आज भगवान प्रसन्न हो गए कि तुमने फिर भी अपने पिता के लिए मांगा, तो जा प्रहलाद, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, एक नहीं दो नहीं बजाए तो स्वर्ग के पितरानु भी नरक खींच लिया। एक बच्चा घर में ऐसा पैदा हो जाता है जो नरक होते हैं उन्होंने भी स्वर्ग खींच लिया। इसलिए बचपन में इतना भजन कर कि जवानी सुधर जाए, जवानी में इतना भजन कर कि बुढ़ापा सुधर जाए, और बुढ़ापे में आकर इतना भजन कर कि 84 के चक्कर से ही छूट जाए, इतना भजन कर। और भजन की ना तो कोई स्थान होता है ना कोई आयु होती है, जब तुम्हारा मन करे भगवान का गोविंद का भजन करो, आनंद लो। तो बड़ा सुंदर भाव नरसिंह भगवान का हम श्रवण कर रहे थे, अभी ले जाओ मैं। बोले नरसिंह भगवान की, कपड़े लाओ। एक दिन अपनी मम्मी का दुपट्टा ही उधार ले, जेड़े ब्याह रे अपनी पत्नी का ही दुपट्टा उधार ले, लेकिन पीला रंग जरूर धारण करके आना, क्योंकि भगवान को पीतांबरी सबसे अधिक प्रिय है। और भगवान के लिए माखन मिश्री टॉफी बिस्कुट खिलौने जो तुम्हारा मन करे, तेरा दिल को अर्पण क्या लागे मेरा, आपका प्रसाद महाप्रसाद के रूप में आपको वितरण किया जाएगा। और कल भगवान का बाल दिवस है, प्रगट्य दिवस है, तो मेरा परिवार अनाथ आश्रम के बहुत सारे बाल गोपाल हैं, अगर आप उनकी सेवा करना चाहें वस्त्र रूप में, अन्न रूप में, धन रूप में, तो आप कल के दिन कर सकते हो। तो बड़ी सुंदर भाव से कल जो पहले आएगा पहले पाएगा, ज्यादा लागे रहोगे तिथु तक या तो पूछता है महाराज, इसलिए थोड़ी छेती आयो, तो अगे जो पहले लेट आयो अगे निकल पे ने, देख लो लड़पना तेरे नाल, ठीक है तुसी पहले आ जाओ। राधे राधे, गुस्सा तो नहीं करते, कल लूटना ना कृष्ण नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा। तो बड़ा ही सुंदर भाव है, तो आइए प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए मैं हर रोज ये सूचना देती हूँ कि 22 जनवरी 2024 को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, पूरे गांव में दीपमाला हो, घर घर में आपकी आतिशबाजी भी हो, लड़ियां भी लगे, रोशनी भी हो, चुराहों पर भी दीप जरूर जलाएं, जहां भी आपके गली चुराहा पड़ता है वहां पर भी हर व्यक्ति आकर एक दीपक एक जरूर जलाए। मोमबत्ती नहीं जलानी, मोमबत्ती हमारा कल्चर नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, दीप जलाने हैं। अगर किसी गरीब के घर भी दीप के लिए तेल नहीं है तो कम से कम उसके घर भी थोड़ा तेल देकर आए, उसके घर भी दीपमाला हो, और पूरे इन गांव में, गांव गांव में, यहां नहीं पूरे भारत